अपने पंचायत के लिए हम बहुत सारे काम किए, जो छुट्टा है वो हमको जनता लोग मौका देंगे, अब इस बार हम वो भी पूरा एक बार मौका हमको यहाँ के जनता दे और मैं जो छुट्टा हुआ काम है उसको पूरा करूँगा। धन्यवाद। एसटीवी बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ रनाबाद के रत्नी प्रखंड के कस्बा पंचायत में और हमारे साथ हैं यहाँ पर जनसंपर्क करते हुए मुखिया श्रीकांति देवी और प्रमोद जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि पिछले 5 साल जो इन्होंने कार्य किया वो कार्य में इन्होंने क्या क्या किया और आगे के लिए इन्होंने क्या रणनीतियाँ बनाई है। तो आइए इनसे मिलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मीडिया महोदय, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप लोग को। धन्यवाद जी। जैसा कि आप अभी मुखिया हैं, मुखिया पद संभाली हुई थी पिछले 5 साल से, तो आप इस 5 साल में क्या क्या कार्य किए अपने पंचायत के लोगों के लिए? अपने पंचायत के लिए हम बहुत सारे काम किए, जो छुट्टा है वो हमको जनता लोग मौका देंगे, अब इस बार हम वो भी पूरा करके दिखाएंगे। क्या क्या काम, ऐसा आप काम कुछ बता सकेंगे क्या काम किए हैं? इंद्रावास किए हैं, नली गली सोलिंग, बिजली का काम किए हैं। आइए इनके प्रतिनिधि, इनके पति प्रमोद जी से भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया अपने पंचायत के लोगों के लिए। जी नमस्कार सर। मीडिया महोदय, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करती भी हूँ। हमने ये 5 साल में सबसे पहले बिहार सरकार का जो योजना चला था 7 नीचे जल नल का काम ने किया है और नली गली का काम किया है, हमने इंद्रावास का काम किया है, स्कूल पर ध्यान दिए हैं, शिक्षा को पर वृत्ति में दिए हैं कि विकास हो बढ़िया, सब बच्चा लोग को पढ़ाई हो। और हम यहाँ गरीब का एक पिछड़ी जाति का हूँ मैं कुशवाहा, और गरीब के लिए मैं प्रशासन से मैंने लाठी भी खाया है, जो कि यहाँ से लोग प्रशासन ले जाते हैं जेल में, उसका मौत हो जाता है, उसका डेड बॉडी नहीं मिलता है, उसके लिए रोड जाम किया जनता के साथ में, इसलिए यहाँ का जनता के लिए हमको जान भी नछावर करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और जनता के साथ मैं हूँ। विकास के लिए जो छोटा मोटा काम भी है वो अभी मैं करूँगा। अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने जनता के लिए पिछले 5 साल में बहुत सारे कार्य किए, साथ ही साथ आप इनके साथ दुख सुख में भी खड़े रहे, आपके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, फिर भी आप उन लोगों का साथ सहयोग नहीं छोड़े। तो अब आने वाले जो 5 साल है, अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे, क्या मुद्दा होगा? वो जो यहाँ जो इंदिरा आवास में दलाली चलता था वो बंद कर देंगे। गरीब को सरकार देता है घर बनाने के लिए, ये नहीं कि कोई घुसखोर और घुसखोरी के लिए। आपको कैसे पता कि यहाँ के इंदिरा आवास में घुस लिया जाता? यहाँ से वहाँ से कहते हैं कि से मुखिया जी मांगते, जब हम लोग से पास जाते हैं तो कॉल क्यों नहीं किया, तो किसे फलना लेके चला गया, उसको फिर डांट पीट के हमने रुकवाया उस काम को कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है। गरीब को घर बनाने के लिए सरकार देती है और गरीब तुम घर बनाओ उसमें तुमको रहने के लिए मिलेगा सरकार, 1 रोटी कहीं भी खाओ लेकिन घर बना के रहो। मुद्दा क्या क्या होगा इस बार के चुनाव का? इस बार का चुनाव का गली नली का काम होगा और किसान के लिए जो बाढ़ ताड़ में धान गला है उसके लिए मैं सब जगह अति करूँगा, और जो है सो कि गरीब के बच्चा जो स्कूल में नहीं जाता है पढ़ने, उसका शिक्षा के लिए मैं ध्यान दूंगा। आपके पंचायत में हम लोग घूमे और घूमने के दौरान, जानने के दौरान, लोगों से, गांव वासियों से जानने के दौरान पता चला है कि बहुत जगह काम नहीं हुआ है गली नली का और सड़क का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो थोड़ा मना छूटा हुआ है अबर में हम जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अबर में मैं वो पूरा करूंगा। हम हाथ जोड़ के पहले तो हार्दिक अभिनंदन जनता को करना चाहती हूँ और चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जनता को, एक बार मौका हमको यहाँ के जनता दे और मैं जो छूटा हुआ काम है उसको पूरा करूंगा। जिंदाबाद।